नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा YouTube चैनल आओ चलें विज्ञान की ओर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं, मन से भगाएं भयभूत का। दोस्तों, यदि आप और आपके बच्चे ये मेरा पूरा वीडियो देखते हैं तो मैं दावा करता हूं वो कभी भी जीवन में भूत के भय से नहीं डरेंगे और ना ही उन्हें भूत का आभास होगा। तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने ये टॉपिक शुरू करना चाह रहे हैं। जी हाँ, भय का भूत शब्द से ही पता चलता है कि भूत नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं होती है, क्योंकि केवल अपने मन में लोग भय व्याप्त कर लेते हैं और उन्हें भूत समझ में आता है। वैज्ञानिक लोग अवश्य खोज लेते यदि भूत नाम की कोई चीज होती, क्योंकि विज्ञान कौन है जो 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से तरंगे चलती हैं, जिनसे हम मोबाइल के द्वारा बात करते हैं, तो मोबाइल की तरंगे जो होती हैं 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से लगभग चलती हैं। यदि कोई भूत होता तो वैज्ञानिक लोग अब तक निश्चित रूप से खोज चुके होते। इसी संदर्भ में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी कहानी सुना रहा हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि भूत नहीं होते हैं। जैसे कि एक बार की बात है, सर्दियों का समय था, अलाव से लोग ताप रहे थे, तापते हैं लोग, कई लोग 7-8 लोग बैठे थे, तो आपस में चर्चा कर रहे थे भूत होते हैं कि नहीं होते हैं, और बात कर रहे थे कि वो एक शमशान घाट के पास में जो है खेत, वहाँ पे कोई जा नहीं सकता है इतनी रात में, रात के 11 लगभग बज रहे थे। लेकिन उनमें से एक सज्जन बोले कि मैं जा सकता हूँ अगर मुझे कोई कुछ इनाम दे। तो सब लोग तैयार हो गए, उन्होंने कहा हाँ ठीक है 100 रुपये देंगे। तो उस समय की बात है जब 100 रुपये बहुत वैल्यू रखते थे। तो कहा कि अच्छा ये बताओ तुम वहाँ पे कैसे जा पाओगे और कैसे पता चलेगा कि तुम वहाँ पे गए थे। तो बोले ठीक है, लोगों ने निर्णय लिया कि एक हथौड़ा और एक खूंटा छिला हुआ अच्छा एक तरफ दे दो इन्हें, और ये मेड़ की खेत पे वहाँ पे गाड़ आएंगे और फिर सब लोग जाके देख लेंगे सुबह या अभी। तो उन्होंने एक हथौड़ा लिया और एक खूंटा लिया और वो अपने चल दिए। अपने को वो बहुत बड़े ताकतवर समझते थे। तो जैसे जैसे शमशान घाट की तरफ जो खेत था उसके नज़दीक पहुंचते जा रहे थे, उनके मन में भय व्याप्त होता जा रहा था, अंदर से डरने से लगे थे। लेकिन जब वे वहां पहुंच ही गए तो भय बहुत लग रहा था उन्हें, तो उन्होंने जल्दी में क्या किया कि एकदम मेड़ के कोने पे खूंटा लेके और हथौड़ा लेके जल्दी से बैठे। तो धोती पहनते थे, वो धोती कुर्ता पहनते थे, तो जैसे ही बैठे तो धोती में हवा भर गई, धोती फैल गई, उन्होंने जल्दी देखा नहीं और खूंटा उन्होंने धोती के ऊपर रख के ठोक दिया। खूंटा काफी अंदर गहराई में धोती को पकड़ता हुआ अंदर घुस गया और उन्होंने जल्दी में फिर एकदम वहां से चले कि चलो ये खूंटा तो ठोंक दिया, बस अभी तक तो कोई बात नहीं हुई। और जैसे ही वो चले आगे तो धोती तो उनकी खूंटा में दबी हुई थी, तो एकदम चिल्ला पड़े कर भूत ने पकड़ लिया। और उन्होंने जल्दी में पीछे भी मुड़के कोशिश नहीं की देखने की और धोती अपनी खोल दी और बस अंडरवियर में ही भागे चले आए। और हांफते हुए जब उस अलाव के पास आए तो लोगों ने देखा क्या बात हुई। अरे वो बोले अरे नहीं, आज तो भूत ने हमें पकड़ ही लिया था, वो तो धोती उसके हाथ में आई और मैंने एकदम धोती जल्दी में छोड़ दी और हम भाग आए, अगर हमें कहीं पकड़ लेता तो आज मर ही जाते। तो दोस्तों, लोग वहां पे थे जो, तो उन्होंने सोचा ये वास्तव में होता है भूत क्या। लेकिन जो लोग ये भी सोचते हैं कि वास्तव में होता है भूत और भूत से डरते भी हैं, उनके भी एक मन में कोने में छिपा होता है कि भूत नहीं होता है, लेकिन फिर भी वे डरते हैं पता नहीं क्यों। तो लोगों ने वहां पे
लाठी डंडा लेके और उधर जानकारी के लिए चल पड़े। उन्हीं को महाशय को साथ में लेके जिनकी धोती वहां दबी हुई थी। और जैसे ही वहां पे पहुंचे तो देखा क्या कि खूंटा में धोती गड़ी हुई है, इसलिए वो धोती उनको छोड़ना पड़ा। तो अगर वो वहां पे उस समय बिना डर के और जानकारी करते कि आखिर धोती हम क्यों नहीं खींच पा रहे, तो उन्हें उस भय का वहीं पे उत्तर मिल जाता, उस डर का मिल जाता कि वहां पे क्या बात थी, और आराम से चले आते, इनाम भी मिल जाता। तो ऐसे ही और एक बात क्या है, मेरे परिवार में एक बड़े भाई है, तो एक बार उन्होंने इंद्रजाल में कुछ पढ़ रखा मंत्र वगैरह किसी को बस में करने के लिए। तो मंत्र में था कि आटे का दीपक बनाकर उसे थाली में रखकर और घर के दरवाजे खोलकर जो गैलरी है उसमें बैठ के वो मंत्र का जाप किया जाए। तो जो दीपक की जो परछाई है, जो सामने दीपक के बनेगी, वैसे दीपक की परछाई पीछे बनेगी जब दीपक आगे रखा होगा, लेकिन जब वो मंत्र का जाप करेंगे और मंत्र जग जाएगा और वो शक्ति प्रकट होगी, तो वो परछाई जो है खुद की दिया के दीपक के सामने दिखाई देगी। तो उन्होंने करना शुरू किया, मन में सोचते थे मैं नहीं डरता हूं, और उन्होंने काम करना शुरू किया, मंत्र पढ़ना शुरू किया। सभी लोग सो रहे थे क्योंकि मंत्र था कि 12 बजे रात को किया जाए। तो जब वो मंत्र पढ़ रहे थे लेकिन मन में डर लगने लगा। तो उन्होंने सोचा मंत्र को पढ़ना ही है तो दरवाजा बंद करके पढ़ ले। तो वो जल्दी में दरवाजा बंद करने के लिए गए, और उन्होंने जब दरवाजा बंद किया तो दरवाजा अंदर से बाहर की तरफ बंद किए जाएंगे, क्योंकि अंदर की तरफ हर एक मकान में अक्सर दरवाजे खुलते हैं। तो उन्होंने जैसे ही बंद किया ऐसे, तो हवा से उनकी शर्ट दरवाजे के बाहर एकदम आई, और दरवाजे में उनका एक बटन ये मजबूती के साथ फंस गया, दब गया। और वो जैसे ही पीछे चले तो बस उनके मन में वही थी कि भूत ने पकड़ लिया, भूत ने पकड़ लिया। घर के लोग एकदम जाग गए और आए, क्या बात हुई? तो देखा क्या, उसमें फंसा हुआ था। तो भूत कोई नहीं था, लेकिन खुद ही डर गए। थोड़ी सी अगर सावधानी बरतते तो उसका कारण जान जाते। तो इसी प्रकार ऐसी तमाम बातें हैं जो कि ये साबित करती हैं कि भूत नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं है। बल्कि अगर कोई ये दावा करता है कि मैंने भूत देखा है, तो इसका केवल वहम है, उनके मन का केवल वहम है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो कोई वस्तु हम सामने अपनी आंखों के देख रहे हैं, तो हम उसका चित्र जिस मस्तिष्क पटल पर अपने माइंड के द्वारा अनुभव करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वस्तु सामने नहीं है, उसका हम इतनी ज्यादा गहराई से स्मरण कर लें कि वो उस मस्तिष्क पटल पर बन जाए, उभर जाए, और उसका अनुभव जो जब वास्तव में होती है वस्तु, तब हम जो करते हैं वो अनुभव सोचने मात्र से जब हमारे मस्तिष्क पटल पर उस जगह बन जाता है जहां पे जब वस्तु होती है तब बनता है, या हम वहां पे अनुभव कर लेते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे सामने है। लेकिन ये बात ज्यादा समय तक नहीं रह सकती है, ये बहुत ही अल्प समय तक, क्योंकि ये एक मन मस्तिष्क की बीमारी की तरीका से है। तो हमें हमेशा ये सोचना है कि भूत नाम की कोई चीज होती नहीं है। अगर होती तो अभी तक वैज्ञानिक लोग निश्चित रूप से उसे खोज के और बोतल में बंद कर लेते, और वो बोतलें अलग अलग रेट की, अलग अलग तरीका के भूत की मार्केट में मिलती होती, जिन्हें मनुष्य खरीदता और फिर उनसे काम करवाता। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि दुनिया में भूत नाम की कोई चीज वस्तु है ही नहीं।
तो दोस्तों ये थी भूत की बात। अगर आप मन में बैठा लें कि भूत नाम की चीज नहीं होती है तो आपको कभी सपने में भी नहीं भूत आएंगे। अगर कभी कोई ऐसी हालात आते हैं उसे आप गहराई से देखें, उसकी जानकारी करें, उसके नीचे निश्चित रूप से कोई वैज्ञानिक कारण निकलेगा, विज्ञान का रहस्य निकलेगा, लेकिन भूत नाम की कोई चीज नहीं निकलेगी। तो दोस्तों इसी क्रम में मैं आप लोगों को एक जादू दिखा रहा हूं और फिर सिखाऊंगा भी। देखिए मेरे हाथ में ये तीन रस्सियां हैं, ठीक है, तीन रस्सियां हैं छोटी छोटी जो कि आपस में ये बराबर हैं। अगर इनको हम एक को हिंदू, एक को हिंदू, दूसरे को मुसलमान और तीसरे को सिख मान लें तो आप लोग देखेंगे इनमें आपस में समानता है, बराबर है, कोई प्रकार का भेदभाव नहीं है। लेकिन कुछ लोग जात धर्म के नाम पर एक दूसरे को बहकाते हैं, छोटे बड़े की भावना जगाते हैं, जबकि हम सब इंसान एक हैं। तो देखिए जो छोटे बड़े की भावना जगाते हैं, फिर देखना इनको हम छोटा बड़ा करके दिखाते हैं। देखिए एक रस्सी, दूसरी और ये तीसरी, अब देखिए कितनी छोटी बड़ी हो गई। ठीक, तो अब हम आप लोगों को ये दिखा रहे हैं किस प्रकार से ये छोटी बड़ी होती है। तो हमें रस्सी को जो तीन हमने टुकड़े लिए हैं, कोई भी हो, उसे 1:2:3 में काट लें, यानी कि अगर एक 1 मीटर की हम काट लें तो दूसरी 2 मीटर की, तो तीसरी 3 मीटर की। अब जब हम सबसे जो बड़ी 3 मीटर वाली रस्सी को मोड़ेंगे या मोड़ेंगे तो वो 1.5 रह जाएगी, डेढ़ रह जाएगी। अब जो सबसे छोटी है 1 मीटर वाली, उसे हम मोड़ेंगे तो वो 1/2 मीटर रह जाएगी। जैसे ये है सबसे छोटी, और इसको ऐसे करके ऐसे पकड़ लेंगे, ऐसे इसको हम ऐसे पकड़ लेंगे, तो ये यानी कि 1 मीटर वाली मोड़ के पकड़ लेंगे तो 1/2 मीटर हो गई, ये 3 मीटर वाली मोड़ के पकड़ ली तो 1.5 मीटर हो गई, तो ये दोनों जुड़ गई तो 2 मीटर हो गई, और एक जो 2 मीटर की मेरी है ही, तो ऐसे अब ये तीनों रस्सी 2 मीटर जैसी हो गई। तो इस प्रकार कोई भी रस्सी जो कि हाथ में पकड़ सकें काट के आप बना सकते हैं, और पहले इन्हें छोटा बड़ा दिखा, पहले बराबर दिखा सकते हैं, फिर छोटा बड़ा दिखा सकते हैं, बाद में फिर बराबर दिखा सकते हैं। तो हम सभी लोगों को, किसी भी जात धर्म का हो, बराबर हैं हम सभी लोग, सभी को हिलमिल के रहना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों को ये अच्छा लगा वीडियो तो अवश्य लाइक एवं सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली बार कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।